हेलो गाइस, वेलकम टू बाय अनदर वीडियो। मेरा नाम है प्रेम सागर। दोस्तों, रेडमी की तरफ से कह सकते काफ़ी दमदार स्मार्टफोन आने वाला है, जो कि रेडमी नोट 30 सीरीज को लेकर। रेडमी नोट 30 सीरीज में दोस्तों आपको रेडमी नोट 12 से जो नोट 12 सीरीज है उसका अपग्रेड देखने को मिलेगा, और जो कि नोट 30 सीरीज है इसमें रेडमी नोट 30 प्रो और नोट 30 प्रो प्लस ये दो स्मार्ट देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों, इन दोनों स्मार्टफोन को टीच किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि स्मार्टफोन को कुछ फीचर स्पेसिफिकेशन आज जानेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो पूरा देखिए, इस स्मार्टफोन को कितने फीचर किस फीचर और क्या क्या देखने को मिल सकता है, तो इस वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, रेडमी की तरफ से कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि इसके कुछ लिस्टिंग टीना पर लिस्टिंग किया गया है। टीना सर्टिफिकेट सब लिस्टिंग में दो मॉडल नंबर लिस्ट हुए हैं, जिसमें एक को पता कहा जा रहा है कि रेडमी का नोट 30 प्रो होगा और दूसरा जो होगा रेडमी का नोट 30 प्रो प्लस होगा। इन दोनों स्मार्टफोन को बताया जा रहा है कि हो सकता है वो देखने को मिल जाए, और बताया जा रहा है कि इस स्मार्टफोन काफ़ी धमाकेदार स्मार्टफोन देखने को मिल सकती है, जो कि आपको 6.7 इंच का ओलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएंगे। और दोनों ही स्मार्टफोन में 6.7 इंच का ओलेड डिस्प्ले होगी, तो एक फोन में आपको फ्लैट डिस्प्ले देखने को मिलेगा, तो दूसरे फोन में आपको जो है कि कर्व डिस्प्ले देखने को मिल सकता है। वही बात के लिए स्मार्टफोन में जो प्रोसेसर इसमें देखने को क्या मिलेगा, इसमें ऑक्टा कर कर का देखने प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के स्पीड पर होगा, एक जो कि नोट 30 होगा, और दूसरा जो 2.8 गीगाहर्ट्ज़ के स्पीड पर देखने को मिल जाएगा नोट 30 प्रो प्लस होगा। यानी कि दोनों ही स्मार्टफोन देखते हैं, लेकिन इसकी कौन से प्रोसेसर होगी यह चीज का कंफर्म नहीं है, और लेकिन यह चीज है कि इनकी स्पीड को कंफर्म हो चुका है कि यह चीज बताया गया है, मेंशन किया गया कि क्या क्या कितना देखने को मिल सकता है। वह इस स्मार्टफोन में रैम स्टोरेज की बात करें तो इसमें रैम स्टोरेज अब जो देखने को मिलेंगी 60 GB के साथ देखने को मिल जाएगा, और वो दूसरा होगा जो कि 80 GB के साथ देखने को मिल जाता है। दोनों स्मार्टफोन काफ़ी धमाकेदार स्टोरेज रैम के देख साथ मिल जाएंगे, और दोनों ही स्मार्टफोन में आपको 200 MP का कैमरा देखने को मिल सकता है, और जो फ्रंट रियर कैमरा होंगे 200 MP के देखने को मिल जाएंगे। और इस स्मार्टफोन की बैटरी की बात करते हैं, स्मार्टफोन में जहां नोट 30 प्रो में आपको 5020 के बैटरी देखने की 5020 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, वही दूसरा 4880 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी नोट 30 प्रो प्लस में। इन दोनों स्मार्टफोन यही बैटरी देखने को मिल सकती है, और बाकी स्मार्टफोन में कौन सा चार्जर होगा, कैसे होगा, क्या होगा, ये चीज़ अभी कन्फर्म नहीं किया गया है। लेकिन यह है कि एक में जहां आप सेल्फी कैमरा वगैरह के लिए थोड़ा बहुत मेंशन किया गया है कि सेल्फी कैमरा आपको नोट 30 प्रो में आपको 8 MP का देख सकते हैं, और नोट 30 प्रो प्लस में आपको 60 MP का देखने को मिल सकती है। तो एक इन कुछ फीचर्स के साथ, स्पेसिफिकेशन के साथ एक स्मार्टफोन देखने को मिल सकता है। फिलहाल इस स्मार्टफोन को जो भी लीक्स और फीचर सामने निकल के आएगी और इसे लॉन्च के लेकर अभी कोई डेट कोई समय नहीं बताएगी कब तक इसे लॉन्च किया जाएगा। हालांकि इसकी डेट और स्पेसिफिकेशन जैसे ही निकल के आती है और बाकी चीज मैं आपको तुरंत बता दूंगा। फिलहाल इस चीज से लेकर इतनी खबर निकल के आई थी। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नया सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा।